हेलो दोस्तों, माई डिश माई तुलका तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं कांटेदार बैंगन की सब्जी। देखिए, कांटेदार बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। दो प्याज जिनको बारीक काट लिया है, दो टमाटर, तीन हरी मिर्च जिनको बारीक काट लिया है, और ये देखिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। और ये देखिए, इसके लिए दो लौंग, पांच छह काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा जिसको ग्राइंड करेंगे, और लहसुन और अदरक को हमने पेस्ट कर लिया है। और ये देखिए, बैंगन की सब्जी में आज हम मेथी का तड़का देंगे, इससे बहुत ही टेस्ट बैठता है। और एक बड़ा चम्मच तेल का लिया है, हरा धनिया और दही के साथ में आज हम कांटेदार बैंगन की सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, बैंगन को चार हिस्सों में काट लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से बैंगन का हमने चार हिस्सों में काटा है। ये देखिए, गैस ऑन कर दिया। सबसे पहले तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मेथी डालेंगे, उसके बाद लहसुन, अदरक, अदरक, उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, इसके बाद प्याज डालेंगे। ये देखिए, इन सबको मिला देंगे और प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाते रहेंगे। ये देखिए, प्याज है जो भूरे होने लगे हैं। और अब इसमें टमाटर डालेंगे। गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, इसके बाद लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल दी। ये देखिए, मसाला है जो तेल छोड़ने लगा है। सबसे पहले हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद दही डालेंगे। देखिए, पलटे को धीरे धीरे चलाएंगे ताकि फटे नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। ये देखिए दोस्तों, मसाला है जो पक चुका है, तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें बैंगन डालेंगे। ये देखिए, बैंगन को अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से पंटे की सहायता से धीरे धीरे, ये देखिए बैंगनों को अच्छे से मसाले में मिला दिया है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे और गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा हाई करेंगे। ये देखिए, ढक्कन हटा के देखिए, चेक करते हैं एक बार। अभी सख्त लग रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए और ढकेंगे, फिर देखते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बैंगन की सब्जी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें स्वाद के लिए थोड़ा धनिया डालेंगे। ये देखिए, धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी खुशबू रहे। ये देखिए दोस्तों, गैस ऑफ कर देते हैं और 4-5 मिनट के लिए ठंडा होने तक छोड़ेंगे इसको, सर्विंग प्लेट में निकाल कर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप परांठे या रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ये देखिए, अच्छा, यदि आपको ये बैंगन की वाली सब्जी अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे आपको समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।